नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर। फर्स्ट पार्ट में अपन ने रेशो के बारे में क्या क्या जान लिया था बच्चों? फर्स्ट पार्ट में अपन ने जाना था उसका रेशो की प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन, और अपन किसी चीज को कैसे बाई ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैंने बताया फील द रेशो कॉन्सेप्ट बाई ऑप्शन, तो अपन ने ऑप्शन सीधा कैसे क्लिक किया, उस चीज में अपन ने क्या किस इंटेंशन से काम किया था। अपना इंटेंशन ऐसा था, यदि मेरे पास 3,000 रुपए, किसी के पास 4,000, दुनिया में मैं कहीं पर भी चले जाऊं तो मेरे पास 3 के 3 रहेंगे, उसके पास 4 के 4 रहेंगे, जब तक वो बंदा खर्च नहीं करेगा। तो ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज बात करेंगे अपन उन्हीं ऑप्शन क्लिक के बेस्ड क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। साइकोलॉजिक बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सर्कल पढ़ा है आपने, एक सर्कल में घूमते रहना। सर्कल में घूमते रहना मतलब, जैसे ही मैंने बोला 9, 17, 12, 15, 9, 15, 12, 17, 9, 12, 15, 17, और फिर कितना देखा 9, 15, 17, 12, मतलब ये जो चारों पॉइंट है एक जैसे हैं लेकिन आपस में चेंज हो रहे हैं। तो लेकिन अपने को नहीं पता कि इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। यदि ऐसे ऑप्शन मिले रेशो में तो कैसे क्लिक करना, जस्ट वन सेकंड। क्या करना है आपको, आपको एक सर्कल बनाना है, या फिर मैं बोल दूं जैसे कि आरोही अवरोही क्रम पढ़े होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपने को ABCD चाहिए, तो आप ABCD उतार लो पहले। अब आओ मैं एक चीज पूछू, यहां से समझ, यहां पे आओ मेरे पास, एक बार आराम से समझ लो इस बात को, फिर बताता हूं। यहाँ पे 3 रेशो 4 का मतलब कितना, ये कट के भाई 3 छोटा है 4 से, या फिर मान लो ए छोटा है बी से, बोल सकता हूँ ये बता दो मेरे को, ए छोटा ही तो है बी से, ठीक है कोई दिक्कत, इसमें जो जाओ बी सी पे आओ भाई, बी और सी पढ़ोगे तो आप लोगों ने क्या देखा, बी भी छोटा है और सी से, तो भाई बी भी छोटा है। पहले अपन ने ए बी की बात करी फिर बी सी, तो बी सी भी, बी छोटा है सी से। अब आओ डी पे, अब डी क्या बोलता है भाई, डी बड़ा है सी से, या फिर मैं बोल दूँ इस साइड वाला छोटा है, मतलब सी छोटा है किससे, सी छोटा है डी। आप लोगों ने क्या देखा, यदि ये सारे ऑप्शन किस हिसाब से भाग रहे हैं, मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब बड़ा होते जा रहा है, मतलब ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा और डी उससे बड़ा, फिर मैं बोलूं डी से छोटा सी और सी से छोटा बी और बी से छोटा ए। यदि इस क्रम में कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो वो इसका आंसर होगा। कोई सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, बोलो 9, 17, 12, 15, मतलब इसमें बढ़ा फिर घटकर, ऐसा तो चलेगा नहीं। मैंने बोला सब बढ़ते क्रम में, आप मेरे पास इस रेशो से समझ में आया कि हाँ ये बढ़ते क्रम ही होंगे, इसमें 9, 15, 12 बढ़ा फिर घटा, अरे ये भी नहीं हो सकता, फिर कौन सा होगा 9, 12, 15, 17, अरे ये बढ़ते क्रम में ही तो है, देखो आप लोग, हाँ तो ये ऑप्शन के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, इन रेशो के अकॉर्डिंग ये सर्कल कंप्लीट आपको कर लेगा, बढ़ता क्रम हो गया तो ऑप्शन भी बढ़ते क्रम वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। ये चीज अपन सारे क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं जब ऐसे आंसर अपने पास आपस में साइकोलॉजिक बेस्ड तरीके से मिलेंगे। ये तो मेरा तरीका हो गया, और आप क्या पढ़ते आए हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एक तो तरीका क्या दे रखा है, ए बी दे रखा आपको, मैंने कल भी बात की थी आपके पास, अब एक बार गौर करना मेरी बात, आपको ABCD निकालना है, आपको क्या निकालना बच्चों, ABCD निकालना। अब एक चीज समझो, यहां ए अपना अपने आप सेपरेट पड़ा है, सी अपने आप सेपरेट पड़ा है, लेकिन बी गड़बड़ कर रहा है ना, बी यहां पे तो 4 बोल दिया, यहां पे 8 बोल दिया, जचने वाली बात है क्या, मेरे को ये बता दो, बी यहां पे 4 बोल दिया 8, मैंने कल बोला बराबर बनाओगे, कैसे भी बनाओगे बराबर होना चाहिए, यदि ये 8 है बी तो ये भी तो 8 होना चाहिए बी, और 8 बनाने के लिए इसको किससे इंटू कर रहे होंगे आप, 2 से 8 हो गया, और ये कितना हो गया 6, तो ए बी का मान 6, 8, मतलब 6, 8 है, और 8 बी का मतलब ने सही किया है, 8 आ गया ना बी का, तो 10 चिपका सकते हैं उसके सामने, बोलो दिक्कत कहां पे, तो 6, 8, 10 तो यहां तक मिल गया, बात समझ पाए या नहीं ये बताओ मेरे को, ठीक है क्या हुआ, b बराबर किया तो मैंने इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2 से इंटू किया तो दोनों तरफ इंटू होगा 6 और 8, तो यहां तक मेरी बात के लिए। लेकिन अब आगे हो b की बात कंप्लीट, देखो c यहां पे है, ये तो 2 था, c यहां पे तो 10 बता दिया, देखो c 10 ही तो आया आपके पास, लेकिन यहां पे c को कितना बोल दिया 15, क्या ये बात जचने वाली है क्या, c यहां पे 10 बोल दिया और c यहां पे 15 बोल दिया, क्या ये चीज सही है मेरे को बताओ,
नहीं है ना, चीज सेम होनी चाहिए। 10 और 15 को बराबर करोगे तो इसका एलसीएम कितना होता है बच्चों? 30 होता है, 30 होता है। तो 10 को 30 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे? 3 से। तो 3 से इंटू होगा तो ये कंप्लीट इंटू होगा, मतलब देखो 30 हो गया ना, सी तो 30 हो गया, लेकिन ये 15 का 15 है ना, ये 15 का 15, इसको 30 बनाने के लिए आप क्या कर रहे होंगे? 2 से इंटू कर रहे होंगे। 2 से जब इंटू इसको करोगे तो ये सिंगल कभी इंटू नहीं होता, आप किससे इंटू करोगे? कंप्लीट। 15 दूनी 30, हाँ भाई ये सही है 30, और ये कितना? 17 दूनी 34 होगा, नहीं होगा तो ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा मेरे पास। समझ पाए मैंने क्या किया? ये यहाँ पे सी 10 दे रखा था, यहाँ पे सी 15 दे रखा था, तो कितना आएगा इसका? मतलब बराबर करने की सिर्फ एलसीएम में 30 होता है, 15 दूनी 30, मैंने बोला 15 में 10, 15 गया 30 में जाता है, 10 का भी जाता है 15, तो आपके पास आंसर कितना हो गया? 30 आ गया। और 30 इसको बनाने के लिए इसको मैंने 3 से इंटू किया, देखो 3 से कर दिया 30 बन गया, और ये 30 बनाने के लिए मैंने 2 से इंटू किया, तो 30 और ये 34। अब क्या हुआ? ये 3 यहाँ पे 3 है तो 30 तो है ही, और ये 24 है, और ये 6 18 है। इसको लिख दो आराम से, 18 8 3 24 और 10 3 30 और ये 34। मैंने स्टार्टिंग बुक में बोल दिया रेशो को कंप्लीट सोल्व करोगे, रेशो को कंप्लीट सोल्व करोगे, मतलब यहां से 2 2 2 इसमें कट रहे, मतलब इसमें गुणांक 2 2 के हैं, 9 12 15 और 17। क्या आपका वही आंसर नहीं है कि जो मैंने साइकोलॉजी बेस्ड तरीके से क्लिक किया था? बोलो कितना आसान है ये, अपन सीधा क्लिक पर कर पाए, इसमें देखो कितना टाइम लग रहा है, आपके सामने है सारी चीजें टाइम की। बोलो टाइम बचा नहीं बचा? इस मेथड को आप अपने उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। एक तरीका तो ये हो गया, अब मैं दूसरे तरीके की बात करूं जो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था लेकिन एक बार और बता देता हूं। आओ बोर्ड पे आओ आप लोग, देखो क्या किया था अपन, ए बी सी और डी। मैंने क्या बोला, ए बी के नीचे ए बी चिपका दो, मतलब कितना चिपका दोगे आप? 3 4 दे रखा है, ठीक है। अब 3 4 है, यहाँ पे इनके पड़ोसी खाली बैठे हैं, मैंने कल बात बताई थी, पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 4 चिपका दूं, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी आओ, बी सी कितना है? 8, तो बी सी के नीचे 8 लिखेंगे। यहाँ पे जगह खाली है तो कौन जाएगा? 10, और यहाँ पे जगह खाली है तो कौन आएगा? 8 आएगा, ठीक है। सी डी कितना दे रखा है अपने को? 15 17, ये 15 और ये 17, ये 15 आएगा और ये भी कितना आएगा बच्चों? 15, और मैंने कल सोल्व करना आपको बताया। इन सबको गुणा करोगे और जो गुणांक आएगा वो काट दोगे, इन सबको गुणा करोगे जो गुणांक आएगा वो काट दूंगा। अरे भैया आपको गुणांक काटने ही है तो पहले ही काट के चलो ना उस गुणांक को, वो सब में होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे 4 दे रखा आपको, 4 मैंने यहाँ से उड़ाया, 4 यहाँ से उड़ाया, 4 यहाँ से उड़ाया मैंने, और 4 मैंने यहाँ से उड़ाया, तो यहाँ पे तो बच गया, तो ठीक है गुणांक था वो तीनों में कटेगा। 4 भाई 4 4 गुणा इसमें छुपा रहता, 4 गुणा इसमें 4 गुणा, तो वो 4 कट जाता, मैंने पहले ही उसको काट दिया। अब देखो क्या कर सकता है, 5 से काट दूँ, 5 5 5 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आया? 3 3 3, और यहाँ पे कितना? 5 2 10। क्या और कुछ कट रहा है क्या आपके पास? 2 से कट रहा है सब कुछ, देखना कैसे। 2 से ये गया, 2 5 10, 2 4 8 और ये 2, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा और कट के 9 बचा, 3 बचा और 9 बचा, ये 4 3 12, यहाँ पे कितना बचा अपने पास? 5 3 15, और यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ 17, तो आपका यही आंसर आ रहा, भी आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड बता दी, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं सिर्फ साइकोलॉजिक बेस्ड तरीका ही आपको बताऊंगा जो आपका टाइम बचा सके, ये मेरे को बताना जरूरी था। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी बेस पे ही है, और आप उसको कैसे हैंडल करोगे? सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। मैं आपको कंप्लीट विस्तार बताने वाला नहीं हूं, मैं सीधा आपको ऑप्शन क्लिक करना बताऊंगा कैसे कर सकते। मैंने क्या बोला आपको, यदि आपको जो दे रखा है उसी में साइकोलॉजिक बेस यूज कर दो, मतलब ये पूछा है ना, हाँ ये पूछा है, उसमें होगा क्या? आप आओ भाई, एच ए बी है तो एच हो तो छोटा ही है, ए छोटा है बी से, हाँ बोल सकते हैं, तो ए छोटा है
इसमें क्या है, बी छोटा है सी से, तो हाँ बी छोटा है सी से, हर में ऐसा ही नहीं मिलेगा, इसमें मिल रहा है। और सी छोटा है डी से, तो भाई सी छोटा ही है डी से, मैंने लिख दिया कोई दिक्कत। और डी छोटा है ई से, तो डी छोटा ही है ई से। आप लोगों ने ये क्या देखा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया है। जिस ऑप्शन में बढ़ता हुआ क्रम है वही आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में बढ़ते हुए मान है वही आपका आंसर। बढ़ते हुए मान देखो, 3, 8 बढ़ा फिर घटका है, मतलब नहीं हो सकता। बढ़ते हुए मान 3, 6, 8, 12, 16 मतलब बढ़ रहा है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। समझ पाए, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछले वाले में ए रेशो भी सीधा दे दिया, 1:3 भाई 2:3 कुछ भी दे दिया, लेकिन इसमें क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है। किसमें दे रखा है बच्चों, फ्रैक्शन में ये अपने मान दे रखा है। फ्रैक्शन में जब ये मान अपने को दे रखा है, तो इसको किसमें बना लेंगे, एकदम सिंपल बना लेते हैं। चलो करते हैं, अपने को ये निकालना है ए बी सी डी क्या होगा, तो आप लोग गौर करो, मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ ही कैसे चेक किया जाता है। मैं जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो बड़ी बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या इन सब भिन्नों का आरोही क्रम में चचाओ या अवरोही क्रम में चचाओ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ और कैसे आंसर आएगा इसका, आप गौर करना, इसमें इन दोनों में बड़ा कौन सा है, कभी भी आपको पता लगाना हो तो। देखो बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे, आपको इंटू करना 8 और 6, नीचे से उठाओ, 8 एकम 8, 2 3 6, तो बड़ा की साइड रह गया बच्चों, बड़ा ही साइड रह गया। एक बार गौर कर लो, लिखो मत, एक बार गौर कर लो, 8 इस साइड रह गया और 6 इस साइड रह गया। 8 तो बड़ा कौन सा बच्चों, ए बड़ा, मैंने अभी बता दिया है 8 इस साइड 6, तो बड़ा बड़ा भिन्न आप निकाल के देख सकते हो। जैसे कि इसका मान निकालोगे, 1 में 2 का भाग देखो तो हाफ आया, लेकिन जब इसमें दोगे तो कितना आया, 8 3 24, मतलब आपको पता चल गया देखो बड़ा है, तो आपको ऐसे ही बड़ा निकालना है, 8 एकम 8, 2 3 6, तो ये बड़ा, तो बड़ा मान मैंने लिख दिया। अब इनमें आओ, 9 एकम 9 और 5 3 15, तो बड़ा की साइड गया, 9 एकम 9 5 3 15, मतलब 9 > 15, इसमें तो 15, तो बड़ा कौन सा बच्चों, सी बड़ा हो गया। आप लोग समझ, इसमें क्या किया, तो 8 बड़ा था 6 से 8 बड़ा, तो मतलब ए बड़ा बी सी, और इसमें 9 5 3 15, तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 इस साइड बड़ा हो गया, तो मतलब आपके पास बड़ा कौन सा हो गया, इसमें आओ, 5 चौक 20 और 6 3 18, तो बड़ा कौन सा बच्चों, सी बड़ा, तो इसमें ये बड़ा, तो मतलब क्रम इसमें क्या, उसमें तो दोनों वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ते हुए थे, तो सीधा सा पता चल गया था आपको, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें ये क्रम बन रहा है। समझ गई, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, जैसे कि मैं फ्रैक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको नॉर्मल बता देता हूँ एक बार। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, या फिर मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। अब यहाँ से पूछते हैं कि सबसे बड़ा मान निकालो, सबसे छोटा निकालो, तो आपको मैं तरीका बताऊंगा फ्रैक्शन में, एक बार समझा देता हूँ। देखो आपको क्या करना, यदि आपको बड़ा मान निकालना है, तो बड़ी वैल्यू को अपने हाथ में रखो और बाकी को छोड़ते जाओ। कहने का मतलब देखो, मैंने बोला इनमें सबसे बड़ा मान आप निकाल के देख लेना, कैलकुलेटर से 1/2 का भाग देना, 3/4, 5/6 करके देखना, आपको बड़ा पता चल, इनमें बड़ी कौन सी है, क्योंकि अपने इसमें तो पता होता है भाई 3 बड़ा 4 बड़ा 5 बता देंगे, लेकिन फ्रैक्शन में एक साथ देखते ही पता नहीं चलता। तो आप इसमें क्या करोगे, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन की बात नहीं बता रहा हूँ, कैसे करोगे, 4 2 3 6, तो इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल ही जाओ, 6 3 18 5 4 20, तो मतलब अभी ये बड़ा है, अब ये छोटे हो गए, 5 3 15 6 4 24, मतलब सबसे बड़ी भिन्न जी। तो एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको, 4 2 3 6, तो मतलब बड़ा ये, अपने को बड़े पे ध्यान रखना, बड़े पे उंगली रखो, 6 3 18 5 4 20, अभी बड़ा ये चल रहा है, 5 3 15 6 4 24, बड़ा ही हो गया, मतलब सबसे बड़ी भिन्न। वैसे इसमें सबसे छोटी निकाली तो क्या करोगे, छोटे को अपने हाथ में रखो, बाकी चीज़ें छोड़ते जाओ, देखो 4 और 6, तो ये बड़ा, इसको भूल जाओ, इससे आओ 6 5 2 10, ये बड़ा हो गया, ये छोटा चल रहा है, 3 8, मतलब ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न। ये एक तरीका होता है फ्रैक्शन में, जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे मैंने कैसे लिया, ठीक है, 5 चौक 20 6 3 18, मतलब ये बड़ा है, 9 एकम 9 5 3 15, मतलब ये बड़ा है, 8 एकम 8 2 3 6, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। और मैंने बड़े को क्रम लगा दी, देखो बड़ा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ये छोटा, और इन दोनों के बीच में ये छोटा, तो ऐसा क्रम किस में, मेरे को बताओ, ए बड़ा है बी में, तो ए बड़ा भाई ये भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए बड़ा है नहीं, है ना यहाँ पे ए बड़ा नहीं, ए छोटा है, यहाँ पे भी ए छोटा है, ये दो तो होंगे नहीं,
अब आओ कुछ भी ले लो आप, बी छोटा होना चाहिए, अपने को इन दोनों को चेक ही नहीं करना है, चेक इन दोनों को करना है। अब बी छोटा है क्या? हाँ भाई बी इसमें छोटा है और बी इसमें छोटा है, मतलब इससे भी नहीं पता चलेगा। फिर किसको चेक करेंगे? सी डी, सी बड़ा होना चाहिए, इन दोनों में करेंगे। सी बड़ा किसमें है? सी इसमें छोटा है, मतलब ये कट गया, देखो सी छोटा ही है यहाँ पे और यहाँ पे सी बड़ा है, सी देखो बड़ा है, तो अपना ऑप्शन ये क्लियर। आप देख लो, ए बड़ा है बी से है, बी छोटा है सी से है, सी बड़ा है डी से, तो आप सीधा ऑप्शन क्लिक कर जाओ। समझ पाए इस चीज को या दोबारा बताऊं? देखो एक बार और बता दो आपकी समझाइश के लिए मैंने, ए ग्रेटर देन बी तो ए बड़ा होना चाहिए बी, तो ए बड़ा बी इनमें ही है, देखो ए बड़ा है बी इन दोनों में ही है, इनमें तो छोटे तो वैसे ही कट गए। फिर मैंने बी सी चेक किया तो इन दोनों में चेक करोगे ये तो आंसर थे ही नहीं, तो बी सी चेक किए तो मेरे पास कितना आया? बी सी देखो बी छोटा होना चाहिए सी से, तो बी छोटा है और यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी बड़ा हो गया, सॉरी बी छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन अपने पास हो सकते थे दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अपन पहुंचे सी बड़ा है डी से, तो सी बड़ा डी तो ऑप्शन फिर क्लिक हो गया। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन इसको कैसे काटेंगे ध्यान से देखना। 6200 को 1/2, 1/3, 1/5 में बांटो, इस रेशो में बांटना है और ये बोल रहा है इनमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा। और एक चीज मैं बताऊं यहां पे आपको कैसे क्लिक, देखो देखते के साथ क्लिक हो रहा है ये, आप देखना चाहो यदि मैं इन दोनों के रेशो की बात करूं तो कितना, मैंने भी बताया देखो ये 3 और 2, तो इन दोनों के बीच का रेशो 3:2 जो यदि जिसमें मिल रहा है वो इसका आंसर हो जाए। देखो 1500 और ये 3500, मतलब इसके 750 आदो करेगा, 750 के 3 गुणा ये थोड़ी होती है, 2200 होते हैं, तो मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। अब 3:2 किसमें? हाँ 3:2 इसमें, देखो 0:0 कटे 3:2, क्या इसमें 3:2 का अनुपात बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं बैठ रहा? 5:5 बैठ रहा है, क्या इसमें 3:2 का अनुपात बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। देखो 3:2 का अनुपात सिर्फ इसमें बैठा, तो अपना ऑप्शन कौन सा क्लिक हो जाएगा? 3:2 हो जाना है सीधा सीधा, समझ पाए। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हाजिर हूं, क्या है? यदि कोई व्यक्ति समान दूरी, यदि कोई व्यक्ति आपको जाना है सेम दूरी, मतलब आपको मान लो कि जयपुर से दिल्ली जाना है, आपको जयपुर से दिल्ली ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं, 3:6:4 के रेशो चलता है, 3:6 मतलब आप कभी मान लो कि मैं 30 की स्पीड से गया जयपुर से दिल्ली, कभी मैं 40 की स्पीड से गया, कभी 60 की स्पीड से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 30 की स्पीड जा रहा हूँ, 40 की स्पीड, 60 की, इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब है कि कभी आप मान लो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा या 600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उस दूरी को आप तय कर रहे हो, तो ये एक अनुपात दूरी सेम, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। लेकिन आप देखो एक चीज समझो, यहाँ पे आपने अपने चाल कम की, नॉर्मल सी बात, आप जानते हो बेसिक यूज किया आपने कि भाई यदि मेरी चाल कम है, यदि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना, मैं कम चाल से गया, मतलब मेरी रेस कम की, तो क्या मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा? हाँ ज़्यादा लगेगा। यदि मैंने मेरी स्पीड 6 कर दी, मतलब मैंने मेरी स्पीड बढ़ा दी, मैंने स्पीड बढ़ाई, तो क्या लगेगा? टाइम कम लगा। तो आप लोग यहाँ से क्या गौर कर पा रहे हो? जब आपको समान दूरी जानी होती है तो जो समय का अनुपात होगा चाल का उल्टा होगा। आप नॉर्मल सी बात करते आए हैं भाई, आपको सेम डिस्टेंस जाना था, मैं 2 की स्पीड से गया, या मतलब मैंने 3 की स्पीड से गया, तो मैं कम स्पीड है तो टाइम ज़्यादा, और मैं ज़्यादा की स्पीड से गया तो टाइम कम। तो आपने क्या देखा? एक बेसिक चीज बताता हूँ, समान दूरी, जब दूरी समान हो तो दूरियां बढ़ेगी, दूरी समान हो तो दूरियां बढ़ेगी, इसमें समय और चाल में, मतलब जो समय का रेशो होगा बच्चों, किसका रेशो होगा? चाल का रेशो होगा। कैसे? अब आप गौर करते जाना, बोर्ड पे आओ, क्या किया अपने पास? समय का रेशो निकालना है। मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा और बताने जाना हो वाला, समय का रेशो अपने को निकालना है, तो मैं किसका कर दूं? चाल का उल्टा कर दूं, तो समय का रेशो का अनुपात क्या हो जाएगा? देखना, ये 3 है तो उल्टा, मतलब 1/3, ये चाल का, तो समय का 1/4 और ये 1/6 जाएगा मेरे पास। तो मैंने बोला रेशो को या फ्रैक्शन को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना है, रेशो में आपको उसको चेंज कर लेना। किस से इंटू करेंगे? 12 से। मैंने बोला इस कैल्शियम, देखो 6 का पहाड़ा, मैं सबसे बड़े वाले का पहाड़ा बोलो, 6 × 2 = 12, 12 एक ऐसा लोअर कॉमन फैक्टर जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जिसको अपने पकड़ा, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, इसमें 4 का भी जा रहा है, इसमें 6 का, तो 12 आ गया। तो समय का रेशो आप लोगों को बच्चों कितना आया?
मैं ऑप्शन क्लिक करना बता दूंगा इसमें, 3 चौक 12, 4 3 12 और 6 2 12 बोलो। तो समय का रेशो मेरे पास ये आ गया, और मैं अब आपको ऑप्शन क्लिक करना कैसे बताऊंगा वो ध्यान रखना, क्यों आपके पास चाल का रेशो कितना था, आंसर तो हो गया यहां तक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन देखो चाल दे रखी है 3 4 6, आप इनको गुणा करो भाई, यदि आप 4 की स्पीड से, समय 4 लग रहा है, चाल 3, 4 3 12 ठीक है, 3 चौक 12, 2 3 6 देखो दूरी समान आ रही नहीं आ रही, तो आपको क्या करना था, ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से वो समय का रेशो उस चाल से इंटू कर करके देखना था, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 6 12, मतलब दूरियां बराबर है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, तो मैंने यही तो किया है, मैं ऑप्शन से समय का रेशो लेता, समय को मैंने चाल से इंटू किया, समय को चाल से इंटू किया, समय को चाल से इंटू किया, तो मेरे पास 12 ही तो दूरी आ रही है, आ रही नहीं आ रही, समझ पाए, लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे, लिख लो। देखो दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे, देखो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को मैंने एक लाइन लिख रखी है, यहां पे ए का मान बी से 140 अधिक होना चाहिए ऑप्शन के अंदर, ठीक है, सी का मान डी से 80 अधिक होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, और उन्हीं ऑप्शन में ए रेशो सी का जो अनुपात होना चाहिए 2:3 होना चाहिए, यदि ये चीजें फॉलो किसी ऑप्शन में हो रही है तो अपन ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बता देंगे, या ए बी सी का मान अपन इनको बता देंगे, बोलो ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा फर्स्ट रेशो उठा लिया करो, फिर बाकी चीजें अपने आप चेक कर लो, ए और सी को पकड़ो, 2:3 कुछ नहीं करना, ए सी 2:3 का बैठ रहा है, 13 2 26 13 2 39 मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, 2:3 का बैठ रहा है, 1:2 का है, ये भी नहीं होगा, इनमें 2:3 का है, हाँ लग रहा है 2:3 का, क्या इनमें 2:3 का है, इनमें कितना 16 2 32 16 3, इसमें 2:3 का बैठ रहा है और इसमें भी 2, मतलब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, देखो इसमें भी 2:3 है, 16 2 32 16 3 48, लेकिन अपने पास ये है तो पहले इसको चेक कर ले फिर इसको चेक कर लेंगे, अब देखो ए का मान बी से 140 अधिक है, 140 अधिक मिल गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 140 अधिक है क्या, हाँ है, मतलब अभी ये भी बैठ रहा है, इसके अंदर आओ सी का मान डी से 80 अधिक है, हाँ इसमें 80 अधिक है, क्या इसमें 80 अधिक है, इसमें 80 नहीं है, इसमें अधिक कितना है, 120 है, मतलब 120 हो गए, ऐसा तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं था, क्वेश्चन में क्या बोला था, ए का मान बी से 140, हाँ भाई 140 अधिक है, सी का मान डी से 80 अधिक है, सी का मान डी से 80 अधिक है अधिक है, और ए रेशो 2:3 है, तो ए रेशो 2:3 है, बोलो इसमें भी 2:3 होने को, और इसमें भी 100 कितना अधिक है, 140 अधिक है, और यहाँ पे 120, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसमें बोला 80 अधिक बताया, 80 से अधिक, तो अपना ऑप्शन कौन सा क्लिक हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज अपन ने साइक्लिक बेस के सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ ली है, तो आप मेरे को बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप अपनी राय सारी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे दोस्त या आप जिनको जरूरत है ऐसी वीडियो की, आप उस तक क्या करोगे, इसको शेयर करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।